अजरबैजान के शहर बाकू में अपने क्याम के दूसरे दिन हमें यानार दाग देखने जाना था। यानार दाग यानी जलता हुआ पहाड़। ये बाकू में एक ऐसी जगह है जहां कुदरती गैस की आग जमीन के अंदर से निकल रही होती है और अजरबैजान के कैपिटल के एक खास जगह जिसको कहते हैं अबिशिरोन, जो एक पहाड़ी सिलसिला है, उस पर यह भड़कती हुई एक आग है और एक पतली गैर महफूज पत्थर की तह से तकरीबन 3 मीटर हवा में उड़ती हुई ये आग नज़र आती है और इसे देखने के लिए काफ़ी सयाह दुनिया भर से आते हैं। जो लोग बाकू आते हैं वो इसे भी ज़रूर देखते हैं। रास्ते में हमें तेल के बहुत सारे कुएं मिले। ये जगह जगह हमने अजरबैजान में इस तरह के कुएं देखे कि ज़मीन से तेल खींच के निकाले जा रहे हैं या आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमें इनका मैकेनिज्म मालूम नहीं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ये मालूम है कि ये तेल निकाल कर आगे बढ़ा रहे हैं और ये सरकारी जगह हैं। कुदरत ने अजरबैजान को नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, तेल और कुदरती गैस और दीगर मादनियात। और हाल ही में काराबाग की फतह के बाद उनके पास ऐसी ज़मीनें भी आई हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि उसमें सोने के बड़े ज़खायर हैं। तेल की पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक तेल के जो आलमी खिलाड़ी हैं उनमें गिना जाता है। तेल के ज़खायर के बारे में बताया जाता है कि ये ज़खायर इस वक्त भी अगर एक्सपोर्ट ना किए जाएं तो अजरबैजान की ज़रूरत के लिए 200 साल तक के लिए काफ़ी है। नारदाग का ये शोला काफ़ी मुस्तकिल तौर पर जलता है, सारा साल जलता है, बारिशों में जलता है, सर्दियों में जलता है और लोग इसे देखते हैं, यहाँ खड़े होकर अपनी तस्वीर बनाते हैं और इसे अपने एक यादगार ट्रिप के तौर पर याद रखते हैं। इसकी कहानी कुछ इस तरह बताई जाती है कि 1950 की दहाई में ये हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ। हुआ यूं कि एक चरवाहे ने यहाँ पर अपनी बकरियाँ और भेड़ चराते हुए यहाँ से आग निकलते हुए एक सतह को नोट किया और इसे मुकामी इदारों को जाकर उसने रिपोर्ट किया और फिर इसके बाद सरकारी इदारे आए और उन्होंने इस ज़मीन का सर्वे किया तो उन्हें इसके नीचे कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। दो मई 2007 को एक सदारती फरमान के जरिए इस जगह को टूरिस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया कि वो यहाँ पर ऐसी सहूलत कायम करें कि लोग आएं और इसे देखें। जैसा कि इससे पहले की वीडियो जो कि आतिशगाह के बारे में थी उसमें बताया था कि 1000 साल कबल मसीह में आग ने ज़रतुश्त मज़हब में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है और आग को इंसानों और खुदा के दरमियान एक राब्ते के ज़रिया समझा गया था और ये ज़मीन आग की सरज़मीन कहलाती है। यानर दाग की आग कभी नहीं बुझती, इस खुली चिमनी के इर्द गिर्द माहौल गैस की बू से भरा हुआ था। यानर दाग की आग कभी नहीं बुझती, इस खुली चिमनी के इर्द गिर्द माहौल गैस की बू से भरा हुआ है। शोले रेत के पत्थर की शक्ल में सुराखों से निकलते हैं और पहाड़ी के नीचे 10 मीटर चौड़े दाग की बुनियाद पर 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। यानार दाग के आसपास की नदियों की सतह को भी अगर आप माचिस से भड़काना चाहें तो वहां भी आग भड़क जाती है। बाहर तो ये नहरें बहुत पुरसुकून दिखाई देती हैं, लेकिन यानार ब्लॉक के नाम से ये मशहूर हैं, यानी इन्हें उनकी जबान में जलते हुए चश्मे कहा जाता है। दरियाए ब्लास्क के करीब व जवार में ऐसे बहुत सारे चश्मे बताए जाते हैं जहां मुकामी लोग इलाज के लिए गुसल करते हैं।
आज दुनिया में आग के चंद पहाड़ मौजूद हैं और ज्यादातर अजरबैजान में वाकई हैं। यनाक द्वार पे घूमने फिरने के बाद वहाँ पर हमने कुछ तस्वीरें बनवाई और उसके बाद दोबारा बाकू शहर की सफाई सुथराई देखने, बाकू शहर की बिल्डिंग्स देखते हुए अपने होटल की तरफ रवाना दवा हो गए।